कि हमारा ब्लड लेके कोई किसी का जिंदगी बच जाए, इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है। रात के 12 बज रहे थे। उड़ीसा के बालासोर मेडिकल कॉलेज में हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। अफरा तफरी का माहौल था। यहाँ से वहाँ लोग भाग रहे थे। एम्बुलेंस का सायरन लगातार गूंज रहा था। कारों और अन्य गाड़ियों में घायलों को लगातार लाया जा रहा था। इसी बीच कुछ स्वास्थ्य युवाओं की भीड़ भी यहाँ जमा थी। लंबी लंबी लाइनें थी। कुछ युवाओं के हाथ में फॉर्म था। कुछ युवा 2 घंटे से खड़े थे तो कई 4 घंटे से खड़े इंतजार कर रहे थे। बता दें, ये वो युवा थे जो मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेट करने आए थे। हादसे की खबर सुनते ही और ट्रेन हादसे की वीडियो देखने के बाद इन युवाओं को साफ हो गया था कि ये हादसा बहुत बड़ा है। कई लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं। उन्हें रक्त की जरूरत होगी, इसलिए वे दान करने पहुंचे। क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। जो दुर्घटना हुआ ट्रेन में जो दुर्घटना हुआ है, इसी के लिए हम ब्लड देने के लिए आए हैं भद्रक। हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ब्लड कैंप में हमारा संगठन आया है। 22-25 से आदमी लेकर आया हूँ ब्लड देने के लिए। मुझे स्वइच्छा से निस्वार्थ में हमने ब्लड देने के लिए आए हैं भद्रक मेडिकल, कि हमारा ब्लड लेके कोई किसी का जिंदगी बच जाए, इससे खुशी और दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए हमारा स्वइच्छा से हमने आए हैं ब्लड देने के लिए। ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बहानागा में, वहाँ कितना आदमी का निहत हुआ है और बाकी इंजर्ड हुए हैं और उनका ब्लड दरकार है एमरजेंसी में, इसीलिए यहाँ के ब्लड दे रहा हूँ। आप अपने मर्जी से और खुशी से और किसी का भी भला हो, बस इस चीज़ के लिए। देखिए, मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि कल जो बालेश्वर में एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का, बहुत से लोग मर गए, 250 लोग मर गए, और जो भी घायल बुरी तरीके से घायल है वो अभी SCB मेडिकल में आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। उनका हालत बहुत नाजुक है, किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं। मेरे को संभाल नहीं पाया मैं खुद को। मैं ब्लड यहाँ बहुत आवश्यकता है, वहाँ बातचीत हो रही थी तो मैंने जाके ब्लड दे दिया। शायद कोई किसी का जान बच सके, कोई अपना घर जा सके। और मेरे ये भी विनती है मेरे सब यूथ भाइयों को कि वो भी आके ब्लड डोनेशन करें, शायद किसी का जान बच सकता है। देखिए, जो कल जो हादसा हुआ बालेश्वर में, जो हादसा हुआ करमडोल का, देखने के बाद मेरे मन में ज़्यादा दुख आया। तो किसी करने के लिए मैं ब्लड देने के लिए आया हूँ SCB मेडिकल कटक। ब्लड भी मेरे दोस्त भी 5 आदमी लेकर आए थे, वो भी ब्लड दिए। और एक भैया निश्चिंत कोली से आए थे, वो भी दिए। अभी 10 आदमी आने वाले हैं ब्लड डोनेट करेंगे। तो क्या जानकर कि आप ब्लड जो दिया है, आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ब्लड से दूसरा है कि जीवन बन जाए तो अच्छा होगा। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु करे कि सब लोग सुस्थ होकर घर को वापस जाए, इतनी प्रार्थना है। अच्छा लग रहा है। हम लोग तो यहीं पे ही स्टूडेंट्स है और यहीं पास में ही हॉस्पिटल था, तो हम लोग चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके आके ब्लड डोनेट करें। अगर एक भी इंसान हमारी वजह से बच जाए तो हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी। कल मैसेज आया था कि जो लोग वॉलंटियरली ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो आके दे सकते हैं। तो आज सुबह हम आए हैं ब्लड देने के लिए, बिकॉज बहुत से लोगों की डेथ हुई है, बहुत इंजर्ड है एंड अभी तक रेस्क्यू चल रहा है। बता दें, उड़ीसा के बालासोर में हुए भयानक कोरमंडल ट्रेन हादसे से पूरे देश को हिला कर रख दिया है। घटना के बाद लोगों की जान बचाने के लिए लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। सैकड़ों लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो अस्पतालों में भी हुजूम उमड़ पड़ा, जो जिस तरह था ब्लड डोनेट करने के लिए अस्पताल पहुंच गया। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही घंटों में 900 यूनिट ब्लड जमा हो गया। 2000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट के लिए रजिस्ट्रेशन किया। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।